बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी समेत 12 आरोपी पर आरोप तय। 120 बी के तहत चलेगा मुकदमा। आपराधिक साजिश रचने का चलेगा मुकदमा। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में मौजूद रहे सभी आरोपी। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जारी किया साझा बयान। भारत और जर्मनी मेड फॉर ईच अदर, बोले आतंकवाद मानवता के लिए संकट बना हुआ है, साइबर सुरक्षा की भी बड़ी चुनौती है। और जर्मनी में ही मुलाकात की प्रियंका चोपड़ा से भी। उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों पर सरकार निहाल। रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष हुई। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नई खनन नीति 2017 लागू। 5 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र के लिए 5 साल का पट्टा। नहीं बदलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना का नाम। देश भर के लगभग 9 लाख मेडिकल स्टोर्स आज रहे बंद। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और मुनाफा कम होने से है हड़ताल पर मरीजों को हुई भारी दिक्कत। केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों की रोक लगाई। केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। कहा लोगों की फूड हैबिट तय नहीं कर सकती है सरकार। बांग्लादेश तट से टकराया चक्रवाती तूफान मोरा, पूर्वी भारत पर पड़ सकता है असर। तटवर्ती इलाके में जारी किया गया अलर्ट। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की दी गई चेतावनी। केरल पहुंचा मॉनसून। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में हम देखेंगे बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े मामले में आरोप तय होने का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही विश्लेषण करेंगे कि आपराधिक आरोप तय होने के बाद आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है, किस दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है और बढ़ भी सकता है कि नहीं। बात प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की भी होगी। बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए बोला है मेड फॉर ईच अदर। अपने खास सेगमेंट सुनिए सरकार में हम बात करेंगे मोदी सरकार की विदेश नीति की और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से आखिर भारत को कितना फायदा अब तक हुआ है और आगे क्या हो सकता है। बात दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के शिकार होने वाले आईएएस अधिकारी आशीष दहिया की भी करेंगे और बताएंगे कि कैसे नकल के लिए बदनाम बिहार में बोर्ड परीक्षा में ढेर हुए हैं ज्यादातर छात्र। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी बोर्ड परीक्षा के दौरान किस तरह से बिहार में नकलचियों की भरमार थी और अब जबकि परिणाम निकल आए हैं तो परिणाम आशा के अनुरूप ही हुए हैं। नकलची जो है वो अब ज्यादातर फेल हो गए हैं। देश भर में 9 लाख केमिस्टों के हड़ताल पर जाने की वजह का भी विश्लेषण करेंगे। और उधर केरल में मानसून की दस्तक के साथ मोरा तूफान के खतरे पर भी चर्चा करेंगे। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के नए पैतरे को भी हम आपको बताएंगे और क्या समझाना चाहता है दुनिया को पाकिस्तान, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही दुनिया भर के नेताओं में हिंदी भाषा और संगीत के लिए उमड़े प्रेम का कारण भी जानेंगे। ट्रंप तो आपको याद ही होंगे किस तरह से उन्होंने हिंदी में अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया था और अब ब्रिटेन में भी कुछ इसी तर्ज पर सब कुछ हो रहा है और वहां की राजनीति में भी हिंदी और संगीत दोनों ने जोर पकड़ा है। क्यों और कैसे ये दिखाएंगे आपको आज देश की बात में। देश की बात में और भी बहुत कुछ होगा, बात इतिहास की भी होगी और बात बॉलीवुड के खूबसूरत शाहकार ऋतुपर्ण घोष की भी होगी, उन्हें भी आज हम याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया जाने के मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इस केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत तमाम बड़े नेताओं के अलावा अन्य लोगों पर भी आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय हुआ है। इससे पहले कोर्ट ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 बीजेपी नेताओं को बरी करने की अर्जी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इन सभी को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
अयोध्या में विवादास्पद बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विनय कटियार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए। आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन देकर अपने खिलाफ चार्ज दाखिल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि विवादित ढांचा गिराए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। दाखिल हो चुके हैं, वो ऑर्डर आ गया, पर्सनल बॉन्ड दाखिल हो गए हैं और डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो, उम्मीद है रिजेक्ट होगी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है कि 120 बी में चार्ज फ्रेम करें तो चार्ज तो फ्रेम इन्हें करना पड़ेगा, इसलिए एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट होगी, उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इससे पहले आडवाणी, जोशी और उमा भारती को इस मामले में अदालत से जमानत मिल गई। सभी आरोपियों को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। बीजेपी के इन तीन बड़े नेताओं के अलावा विनय कटियार, विश्व हिंदू परिषद के नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी रितंबरा की जमानत भी अदालत ने मंजूर कर ली। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन का ये फैसला सुनाया था। सर्वोच्च अदालत ने मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट के पास ये अधिकार और उसका कर्तव्य है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। यह अपराध जिसने देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष ढांचे को हिला दिया वो 25 साल पहले हुआ था। आरोपी इस केस में सही तरह से आरोपित नहीं किए गए क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर मंगलवार को लखनऊ में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है और इसकी वजह बने बीजेपी के वो बड़े बड़े दिग्गज जिनकी पेशी बाबरी विध्वंस को लेकर सीबीआई की विशेष कोर्ट में हुई। राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे इन नेताओं से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लखनऊ के लिए मंगलवार का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम आरोपियों की लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिन भर सियासत गर्म रही। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी मुश्किल आती है वो मुश्किल नहीं, सब राम का काम होने वाला। जब से चालू हुआ है तब से स्टैंड एक ही है, कोई बदलने वाला नहीं स्टैंड। हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं, और क्योंकि मैंने पूरी आस्था से भागीदारी की है तो मैं अपने आप को अपराधी भी नहीं मानती हूँ। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाकर लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। आडवाणी से योगी की ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि बुधवार को सीएम योगी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। काफी लंबे वक्त बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने वाले योगी पहले मुख्यमंत्री होंगे। विपक्षी इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, जबकि बीजेपी इस मामले को ज्यादा तूल देती नहीं दिख रही है। 6 दिसंबर 1992 को संविधान की हत्या हुई थी, जब श्री आडवाणी जी समेत एक उग्र भीड़ के साथ बाबरी ढांचे को डिमोलिश किए थे। लेट इट हैपन एंड वी आर श्योर आवर लीडर्स दे आर इनोसेंट दे विल कम आउट अनस्केथ इन द एंटायर थिंग। As the case is on, I don't want to make any comment because the outsiders are not supposed to speak about the case and make any comments on this. वीवीआईपी गेस्ट हाउस से लेकर कोर्ट परिसर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पेशी के लिए बड़ी संख्या में वीवीआईपी के आने से पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा देश भर से आए लाखों कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था। आरोप है कि नेताओं के उकसाने पर ही कार सेवकों ने ऐसा किया था, जिसके बाद बीजेपी और विहिप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 2001 में सीबीआई कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सीबीआई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। आइए एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और कब कब इस पूरे मामले में अलग अलग मोड़ आए हैं। बाबरी विध्वंस मामले में साल 1992 में दो FIR दर्ज की गई। पहली FIR कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई, जबकि दूसरा मामला विवादित ढांचे से 200 मीटर दूर नेताओं पर दर्ज हुआ। एक FIR पर लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई,
जबकि दूसरा मामला राय बरेली की कोर्ट में चला। एक की जांच सीबीआई को जबकि दूसरे की जांच यूपी सीआईडी के पास थी। साल 1993 में 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा लगाई गई। दोनों मामलों को लखनऊ कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, जिसके बाद 2001 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राय बरेली का केस लखनऊ ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। राय बरेली कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों पर से आपराधिक साजिश की धारा हटा दी। साल 2010 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। 2011 में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने चुनौती दी। 2015 में हाजी महमूद ने भी सर्वोच्च अदालत में अर्जी लगाई। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपियों पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर अयोध्या विवाद जो है वो देश की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा रहा है और राम मंदिर एक लंबे अरसे से वोटों तक पर असर डालता रहा है और बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये एक अहम मुद्दा रहा है बीजेपी के लिए। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदुओं के आराध्य देव राम का जन्म ठीक वहीं हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी। उनका दावा यह भी है कि विवादित ढांचा दरअसल एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इसी दावे के चलते 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी और उसके बाद भारतीय राजनीति बिल्कुल बदल गई। अयोध्या में पिछले 50 साल से जमीन के मालिकाना कब्जे का विवाद है, मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। जानिए अयोध्या में कैसे घूमा है समय का पहिया पिछले 5 सदियों में। 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू अपने आराध्य देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी और इसी वजह से बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1853 पहली बार इस विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दे दी। 1949 भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1986 जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दिया और इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई। फरवरी 2002 बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों राम भक्त अयोध्या में इकट्ठा हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस ट्रेन से जा रहे थे उसमें गोधरा में आग लग गई। इस घटना में 58 लोग मारे गए। 13 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले को माना जाएगा। जनवरी 2003 रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं। कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की इजाजत देने की अपील की जिसे ठुकरा दिया गया। अप्रैल 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की।
रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई 2004 शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जनवरी 2005 लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। जुलाई 2005 5 आतंकियों ने विवादित परिसर पर हमला किया। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक ही मार गिराए गए। 6 जुलाई 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। जुलाई 2006 कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। 24 नवंबर 2009 लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। 24 सितंबर 2010 अदालत ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया। विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमीन के 3 हिस्सों में बांटने के फैसले को गलत कहा और उसे अजीबोगरीब और हैरान करने वाला बताते हुए उस पर स्थगनादेश जारी कर दिया। श्वेता कुमारी के साथ अरविंद चौरसिया, APN। उधर बाबरी विध्वंस मामले में आरोप तय होने के बाद जहां आडवाणी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, वहीं राष्ट्रपति बनने की उनकी दावेदारी को भी झटका लग सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को यह सोचना होगा कि आपराधिक साजिश के आरोपी नेता को कैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाए, यानी कि नैतिकता का तगाजा जरूर हो जाएगा। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जहां एक तरफ आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ने ये सपना पाल रखा था कि शायद राष्ट्रपति पद उनके हाथों में आ जाए और इस पर बैठने का उनका सपना पूरा हो जाए, अंततः अब उस सपने को कहीं ना कहीं टूटते हुए दोनों ही नेता देखेंगे। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी और जोशी पर आरोप तय होने के बाद उनके राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ आ गया है। जब देश में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी चल रही होगी तो उस वक्त उन्हें लखनऊ में CBI की विशेष अदालत में मुलजिम की तरह कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। दरअसल समय के जिस मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद अब आडवाणी और जोशी दोनों के लिए राष्ट्रपति पद के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दोनों ही नेताओं ने कभी भी सार्वजनिक मंच से राष्ट्रपति बनने की इच्छा का इजहार नहीं किया है, लेकिन वरिष्ठता और पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जा रहा है। लेकिन आपराधिक साजिश के आरोपी किसी नेता को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने में दिक्कत आ सकती है। यहाँ सवाल नैतिकता का उठ सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करके 25 साल पुराने इस मामले को खत्म किया जाए, लेकिन ये भी आडवाणी के लिए कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि अदालत ने 2 साल में इसे खत्म करने की समय सीमा तय की है। अदालत के फैसले के बाद अब राष्ट्रपति पद के लिए आडवाणी मैदान में उतर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। नैतिकता के आधार पर देखें तो कोर्ट के फैसले ने इन दोनों दावेदारों को लगभग दौड़ से बाहर कर दिया है। जुलाई में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपों के तय होने से बीजेपी के इन दोनों बड़े नेताओं की हसरतें ध्वस्त होती दिख रही हैं। ये हैं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये दोनों ही बड़े नेता जिस तरह से सोच रहे थे शायद अब उनका राजनीतिक भविष्य वैसे न चले, बाबरी विध्वंस मामले में आरोप तय होने के बाद इन दोनों नेताओं का उम्मीदवार बनना भी मुश्किल हो गया है नैतिकता के आधार पर। वैसे चर्चा ये भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के इस वयोवृद्ध नेता को महामहिम बनाकर राजनीति से उनकी सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। यही हाल मुरली मनोहर जोशी का भी था। इसी से अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों पर कयास लगने वैसे शुरू हो गए हैं कि यदि ये दोनों नेता नहीं है रेस में तो आखिर कौन वो नाम है जो इस पूरी रेस को जीत सकता है। एक पत्रकारों से मुलाकात में अमित शाह ने ये स्पष्ट किया है। एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने APN को ये कहा कि जो भी नाम होगा वो चौंकाने वाला होगा और उस नाम का खुलासा BJP अभी नहीं करेगी, लेकिन BJP के पास पूरे वोट है जिससे वो उस नाम को सर्वमान्य
कर सके। लेकिन वो नाम कौन हो सकता है, हम आपको थोड़े बहुत इशारे इस रिपोर्ट में दे रहे हैं। सवाल यह है कि इस पद के लिए बीजेपी या एनडीए की ओर से उम्मीदवार कौन हो सकता है। पार्टी ने इस बारे में अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि उम्मीदवार का नाम चौंकाने वाला भी हो सकता है। अब इस दौड़ में जो नाम चल रहे हैं उनमें से एक है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। वो सबसे अनुभवी सांसदों में से एक है। ताई के नाम से मशहूर महाजन के मृद स्वभाव का तो विपक्ष भी कायल है। ममता बनर्जी भी राष्ट्रपति पद के लिए महाजन के नाम का समर्थन कर चुकी हैं। मोदी शाह के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। दौड़ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी नाम चल रहा है। हालांकि खराब स्वास्थ्य उनके लिए कमजोर कड़ी बन सकता है। अगर अमित शाह के चौंकाने वाले नाम की बात करें तो वो झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का हो सकता है। उन्हें उम्मीदवार बनाकर मोदी एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं। द्रौपदी ओडिशा की आदिवासी नेता रही हैं, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। एक और चौंकाने वाला नाम संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी हो सकता है। भागवत का नाम सबसे पहले शिवसेना ने उछाला था, हालांकि पार्टी अध्यक्ष इसे खारिज कर चुके हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में T20 जैसा मुकाबला है। फिलहाल देश में 784 सांसद और 4114 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में कुल वोटों की वैल्यू 11,04,546 है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस नीत विपक्ष के पास 35.47% वोट है। 13 क्षेत्रीय दलों के समर्थन से ये आंकड़ा 48.53% पहुंच जाएगा। वहीं एनडीए के पास 48.64% वोट है। यानी एक भी पार्टी इधर से उधर हुई तो राष्ट्रपति का चेहरा बदल सकता है। बीजेपी ने कहा है कि 15 जून से पहले वो अपने उम्मीदवार का खुलासा नहीं करेगी। तय है कि मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उसी को राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे जो सरकार का सहयोग तो दे ही, साथ में 2019 के आम चुनावों में भी उसके नाम का फायदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देश की राजनीति कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, खासकर अब राष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी विदेश में हैं। 4 देशों के 6 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी में आधिकारिक स्वागत आज हुआ। बर्लिन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल काउंसुलेशन की बैठक में शिरकत की। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर मुहर भी लगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि इंडिया और जर्मनी दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। यूरोप को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का एहसास है तो भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ साझेदारी से होने वाले फायदे का इल्म। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी एक बड़ी ताकत है और यही कारण है कि पीएम मोदी लगातार जर्मनी से संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच 8 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जर्मनी भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बड़ा साझेदार है और ये भागीदारी लगातार बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए बने हैं। जर्मन और हम हमारे ब्लड में वो वैल्यूज हैं जो इनोवेशन और डेमोक्रेसी की ताकत को बढ़ावा देते हैं और मिलकर के चलने की ताकत देते हैं। हम उनके साथ मिलकर के उस दिशा में काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूं जर्मन भारत का एक बहुत बड़ा एक विश्वस्त पार्टनर के रूप में हमें यश मिल रहा है और पिछले 3 समिट में मुझे जिसमें रहना पड़ा का मौका मिला है, मैं देख रहा हूं कि इस मैकेनिज्म से हम इस चीज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान आतंकवाद एक अहम मुद्दा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने आतंकवाद समेत कई चुनौतियां हैं, हमें मिलकर इनका मुकाबला करना है। आतंकवाद तथा अतिवाद मानव जात के लिए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना समय की मांग है और दोनों देशों का ये मत रहा है कि हम वैश्विक संदर्भ में इन संकटों से मुक्ति की दिशा में साथ मिलकर के अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके। प्रधानमंत्री मोदी 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे थे। उन्होंने जर्मन चांसलर मार्केल के साथ 18वीं सदी में बने पैलेस शलॉस मीजेबर्ग के बाग में टहलते हुए बात की।
यहीं पर मार्केल ने मोदी को प्राइवेट डिनर दिया। जर्मनी भारत में सातवां सबसे बड़ा निवेशक देश है। 2016 में दोनों देशों के बीच 19 अरब 48 करोड़ डॉलर का कारोबार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और हमारा खास सेगमेंट सुनिए सरकार में भी आज हम बात इसी की करेंगे। मोदी की विदेश नीति क्या है इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में रूस को लेकर मोदी सरकार के नजरिए और उससे पड़ने वाले प्रभावों पर हम आज बात करेंगे। जर्मनी और स्पेन के बाद मोदी रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस पूरे यात्रा के दौरान रूस सबसे अहम देश है उनके लिए। रूस और अमेरिका आपस में पुराने प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन भारत के लिए रूस और अमेरिका दोनों ही इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा जरूरी है कि भारत की नीति ऐसी हो जहां दोनों ही फिट बैठें और किसी को कोई शिकायत भी ना हो। पिछले कुछ अरसे से भारत और रूस के रिश्तों में आया ठंडापन बताता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी विदेश नीति पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी इसे खूब समझते हैं, खासकर तब जब रूस जैसा दोस्त दूर जाता दिख रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चार देशों की यात्रा पर हैं उसमें सबसे अहम देश हमारे लिए यानी भारत के लिए रूस ही है। मोदी जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और रूस का दौरा कर रहे हैं। ये मोदी की खासियत ही है कि जब वो विदेश दौरे पर निकलते हैं तो उस रास्ते में आने वाले ज्यादातर देशों की यात्रा वो एक साथ करते हैं। हालांकि भारत में उनके विरोधी इसे लेकर कई बार सवाल उठाते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी ज्यादातर वक्त देश में नहीं बल्कि विदेश में बिताते हैं और जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो एक पर्यटक की तरह जाते हैं और इसीलिए वो एक साथ आसपास के तमाम देशों का दौरा कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि मोदी के विदेश दौरों का मकसद भारत को दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करने का है। हालांकि इस दौरान कई ऐसे वाकये भी हुए जब अपने पराए और पराए अपने होते देखे गए। अब इस दौरे से उम्मीद है कि रूस और भारत के बीच जो ठंडापन आ गया है उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई और गर्माहट देखने को मिलेगी। जर्मनी और भारत की बढ़ती दोस्ती की एक खास वजह, जहां जर्मनी अमेरिका को छोड़कर भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति की ओर देख रहा है, तो वहीं रूस से दोस्ती में कड़वाहट आने के बाद अब भारत भी आत्मनिर्भरता के लिए यूरोप और खासकर यूरोपियन यूनियन की ओर देख रहा है। अमेरिका के साथ भारत ने दोस्ती की पींगे क्या बढ़ाए, रूस जैसा करीबी दोस्त और मददगार पीछे हटने लगा। 3 साल की मोदी सरकार में भारत ने विदेश नीति पर भले ही कई आयाम स्थापित किए हों, लेकिन रूस से दिनों दिन बढ़ती दूरी मन को कचोटने वाली रही। 4 देशों के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी रूस भी जाएंगे। वहां उनकी कोशिश शिथिल पड़े संबंधों को फिर से जीवंत करने और रफ्तार देने की होगी, तो कोशिश उस भरोसे को फिर से पैदा करने की भी होगी जो अमेरिका के दखल के बाद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आजादी के बाद से लेकर अब तक रूस वक्त बेवक्त अच्छे और बुरे दौर में भारत का विश्वसनीय साथी रहा है। पाकिस्तान के साथ युद्ध से लेकर चीन के साथ जंग में रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, लेकिन बदलते वक्त और नए वैश्विक समीकरणों में अमेरिका भारत को ज्यादा मुफीद लगा और उसने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी। यही कारण था कि रूस जहां चीन और पाकिस्तान के करीब आने लगा, तो वहीं भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाया। हालांकि अमेरिका से भारत की दोस्ती की पैमाइश अभी बाकी है। एक ओर वो अमेरिका है जिसकी दोस्ती को अभी आंकना है, जबकि दूसरी ओर वो रूस है जिसकी दोस्ती की मिसाल भारत के लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। ऐसे में ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो कैसे अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों में संतुलन स्थापित करता है। रूस के साथ पुरानी दोस्ती को वापस लाने की जिम्मेदारी एक बार फिर मोदी सरकार पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो दोनों की मुलाकात में वही गर्मजोशी देखने को मिलेगी जो कभी पहले हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो तरह तरह की खबरें आती ही रहती हैं और वो सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 4 देशों की यात्रा पर हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अपनी इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी जर्मनी भी पहुंचे हैं और यहां उनकी मुलाकात
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा से हुई। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी फिल्म बेवॉच के प्रमोशन के लिए बर्लिन पहुंची हुई हैं और वो उसी होटल में रुकी हुई हैं जिस होटल में प्रधानमंत्री मोदी रह रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही प्रियंका चोपड़ा को देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, वह उनसे मिलने पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे नाश्ते पर मुलाकात की और काफ़ी देर तक दोनों बातचीत करते रहे। प्रियंका चोपड़ा ने इसे एक शानदार संयोग कहा है और इस मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है। प्रियंका ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, खूबसूरत इत्तेफाक है कि मैं भी उसी समय बर्लिन में हूँ जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए हुए हैं। शुक्रिया पीएम मोदी सर, आपने अपने बेहद व्यस्त समय में से मुझसे मिलने का समय निकाला। और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, पर इस पूरे फोटोग्राफ में एक बेहद खास लम्हा है ये। और जब आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो कॉन्शियस रहते हैं अपनी सारी फोटोग्राफ्स को लेकर, और वो लगातार कैमरे में ही देख रहे हैं। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, वहीं पर देश के बड़े शहर एक बार फिर से हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 20 से 25 आतंकी भारत में घुस चुके हैं। ये आतंकी 26/11 जैसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इन आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े शहर हैं। इस बीच पंजाब के पठानकोट में ममूल मिलिट्री स्टेशन के पास आर्मी यूनिफॉर्म से भरा बैग मिलने से और ज्यादा सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार घुसपैठ के बाद भारत के लिए एक चेतावनी वाली खबर है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि भारत में 20 से 25 लश्कर के आतंकी घुस चुके हैं। इनकी योजना भारत में एक बार फिर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की है, जिसमें पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल और बड़े होटल निशाने पर हो सकते हैं। ऐसी जानकारी मिलते ही देश के सभी बड़े शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में सघन सुरक्षा जांच के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी सुरक्षा बलों को जारी किए गए संदेश में उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस बीच पंजाब के पठानकोट शहर में सुरक्षा बलों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि दो दिन पहले ममूल मिलिट्री स्टेशन के पास सेना की वर्दी से भरा बैग बरामद हुआ था। बैग मिलने के बाद से ही सुरक्षा बल चौकन्ने हो चुके हैं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सेना और पंजाब पुलिस की स्वाट टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। अधिकारी बैग से मिले सामान की जांच कर रहे हैं। 2 महीने पहले भी पठानकोट में इसी तरह की घटना हुई थी। खुफिया ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से रोजाना घुसपैठ की कोशिशें हो रही है और फिर से एयरबेस को निशाना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला किया था। इसे किसी भी एयरबेस पर हुआ सबसे खतरनाक आतंकी हमला करार दिया गया था। ये आदेश ऐसे समय पर दिए गए हैं जब हाल ही में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और दुनिया के कई अन्य स्थानों में आतंकी हमले हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसा संदेह है कि लश्कर के सदस्य दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। विभिन्न पुलिस इकाइयों से अत्यंत सतर्कता बरतने और संदिग्ध लोगों, वस्तुओं और वाहनों पर तीखी नजर रखने और वाहनों एवं व्यक्तियों की अच्छी तरह से जांच करने को कहा गया है। पिछले दिनों सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिजबुल कमांडर सबजार अहमद भट्ट समेत 3 आतंकियों को त्राल में मौत के घाट उतार दिया था, तो वहीं रामपुर सेक्टर में भी सेना ने 6 आतंकियों को ढेर किया था। सरहद पर जिस तरह से आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया, ऐसे में आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हैं। एजेंसियों का कहना है कि सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सचिन भाटिया, एपीएन। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे हम देखेंगे कि इंदिरा जयसिंह को यूएन ने किस कमेटी का हेड चुना है और वो अब किस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। एक मशहूर वकील है इंदिरा जयसिंह। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन में भारतीय संगीत और बॉलीवुड फिल्मों का
जोर बढ़ता जा रहा है, खासकर वहां की राजनीति में। लेकिन इस वक्त देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया। सुशील मोदी ने लालू राबड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलए को ऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर राजधानी पटना के पॉश इलाके में करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ी के भाव में इन लोगों ने अपने नाम करवा लिया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजू जनता दल के सांसद जय पांडा पर उन्हीं के पार्टी के समर्थकों ने अंडे फेंके। जय पांडा वाटर टैंक के उद्घाटन के लिए गए थे, लेकिन इस समारोह में स्थानीय बीजेपी विधायक प्रताप जीना को न बुलाने से उनके समर्थक नाराज हुए, इसलिए पांडा के आने के बाद उन पर अंडे फेंके गए। आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट आयोजित करने को लेकर आईआईटी मद्रास के एक पीएचडी छात्र को कथित तौर पर दक्षिणपंथी छात्रों ने बुरी तरह से पीटा है। आरोप है कि बीफ फेस्ट का आयोजन करने के कारण छात्र के साथ मारपीट की गई। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी आंखों के नीचे गंभीर चोटें आई हैं। केंद्र सरकार 1 रुपए का नया नोट जारी करने जा रही है, हालांकि पुराने नोट भी चलते रहेंगे। ये नया नोट गुलाबी और हरे रंग का होगा। करीब 2 दशक तक 1 रुपए के नोट की छपाई बंद रहने के बाद 2015 में इसे दोबारा लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है कि नए नोट के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ रंग अलग होगा। नोट के पिछले हिस्से में सागर सम्राट की ही तस्वीर होगी। भारतीय वायुसेना के सर्च ऑपरेशन में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई सुखोई 30 लड़ाकू विमान के दोनों पायलटों में से एक का खून से सना जूता, आधा जला हुआ पैन कार्ड और वॉलेट मिला है। खोज एवं बचाव दल में भारतीय सेना, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। जांच दल को घटनास्थल से 28 मई को विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिला था। अब एक और खबर की ओर बढ़े। यूपी के बाद अब दिल्ली में एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आईएएस ऑफिसर आशीष दहिया का मृत शरीर दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में फॉरेन क्लब इंस्टीट्यूट में स्विमिंग पूल के अंदर मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 30 साल की आशीष दहिया हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और उनकी फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग चल रही थी। मामले की जांच के बाद पता चला कि कुछ अधिकारी इंडियन फॉरेन एंड रेवेन्यू सर्विसेज के अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल थे। खबरों के मुताबिक एक महिला अधिकारी का पैर फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में जा गिरी। वहाँ मौजूद लोग उन्हें बचाने के लिए पूल में उतरे। महिला अधिकारी को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आशीष ऊपर नहीं आए और थोड़ी देर बाद उनकी लाश पानी में तैरती नजर आई। परिजनों ने आशंका जताई कि आशीष की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। तीनों एंगल से हमने कहा भी हमारा पोस्टमार्टम पूरे एंगल से होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसकी डूबने से मौत हुई है। अब आईएएस की भी ट्रेनिंग इनकी पूरी हो चुकी, इन्होंने ज्वाइन करना था, जेएनके कैडर इनको मिला हुआ था। 10 फीट में डूबने से ऐसा नहीं हो सकता, हमें कि हमारे बात गले नहीं उतर रही कि 10 फीट में आशीष की डेथ हो सकती है। उसके 1:13 के बाद फिर उसका व्हाट्सएप आया था मुझे, भैया आज मैं कहीं फंस गया हूँ और मैं आपसे कल मिल पाऊंगा। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ आशीष से, और एट लास्ट हमें फिर कॉल ही आया कि ये आशीष का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रेनी ऑफिसर आशीष दहिया आईएएस बनने से पहले 2013 में हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में चुने गए थे। इसके बाद उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा में हो गया था, जिसके बाद वो हैदराबाद चले गए। लेकिन मन में आईएएस अधिकारी बनने की ख्वाहिश पाले आशीष ने साल 2016 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। पुलिस संदिग्ध परिस्थिति में हुई उनकी मौत की जांच कर रही है। जो सबसे पूछा उसका सिलसिलेवार के क्या इसका रीजन रहा है, कैसे कैसे हुआ, वो सारा फैमिली के सामने सभी का स्टेटमेंट लिया। उसके बाद देन वी हैव टेकन अ डिसीजन के इसमें पोस्टमार्टम एक बोर्ड से कराया जाएगा, बोर्ड बनाकर इसका पोस्टमार्टम किया। इमीडिएट अभी तो उन्होंने यही बताया कि ये डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग। आशीष दहिया की तरह ही कर्नाटक कैडर के एक और आईएएस अनुराग तिवारी का शव संदिग्ध हालत में मिला। 27 मई की सुबह लखनऊ स्थित मीराबाई मार्ग पर स्टेट गेस्ट हाउस के पास मिला। उनकी मौत की गुत्थी भी अभी तक सुलझ नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षा के और 12वीं कक्षा के परीक्षा के नतीजों की। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। पूरे बिहार में कुल 65% छात्र फेल हो गए हैं, केवल 35% छात्र ही 12वीं की परीक्षा में सफल रहे हैं। आप जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो समझ सकते हैं इससे। पिछले साल के मुकाबले इस बार के रिजल्ट में भारी गिरावट देखी गई है। पिछले साल बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में भारी नकल और धांधलेबाजी सामने आई थी, यहां तक कि जो टॉपर
थी उससे अगर सामान्य ज्ञान का सवाल भी पूछा गया तो वो भी उसे नहीं बता पाई थी और नहीं उसे पता था कि किस विषय के सवाल ये हैं। दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। अगर बिहार में टॉपर ऐसे होते हैं और अगर नकल के तमाम संसाधनों के बीच भी बोर्ड परीक्षा के नतीजे ऐसे आते हैं तो उसका मतलब ये है कि या तो छात्र इतने कमजोर हैं कि नकल के लिए उनके पास अकल नहीं। पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं क्या चीज़? पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। या पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड छात्रों पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया। बिहार में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार 65% छात्र फेल हो गए। पिछले साल के मुकाबले इस बार के रिजल्ट में भारी गिरावट देखी गई। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कुल 12,40,168 छात्रों ने बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से महज 4,35,233 छात्र ही सफल हो पाए। विज्ञान वर्ग में 30.1%, आर्ट्स में 37.1% और कॉमर्स में 73.8% छात्र पास किए गए। पिछले साल बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में भारी नकल और धांधलीबाजी देखने को मिली थी। बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकार ने नकल पर नकेल कसने के लिए सख्ती दिखाई। तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी इस बार नंबर देने में सख्ती बरती। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शासन ने विशेष प्रयास किए थे, जिसके तहत कोडिंग सिस्टम और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी। दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। दवा बेचने संबंधी नियम कड़े बनाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में देश भर के करीब 9,00,000 केमिस्ट एक दिन की हड़ताल पर आज रहे। सरकार ने हर दिन बेची गई दवा की जानकारी पोर्टल पर देना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा केमिस्ट ऑनलाइन दवा बेचे जाने का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि देश भर के सरकारी अस्पतालों और बड़े निजी अस्पतालों के परिसर और उसके बाहर दवा की दुकानें खुली रहीं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को कई ज्ञापन दिए, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई, जिसके कारण उन्हें मजबूरन एक दिन के लिए हड़ताल पर जाना पड़ा। बात मानसून की करें, गर्मी से झुलस रहे देश के लिए अच्छी खबर आई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम दस्तक दी है। केरल के अलावा मणिपुर और अरुणाचल में मानसून की पहली फुहारें पड़ने लगी हैं। आमतौर पर केरल में मानसून के पहुंचने के कुछ दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट में बारिश शुरू होती है, लेकिन इस बार चक्रवाती तूफान मोरा की वजह से पूर्वोत्तर में मानसून जल्द पहुंच गया। केरल में मानसून के पहुंचने के साथ बारिश शुरू हो गई। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक इस बात का संकेत है कि बारिश का मौसम अब शुरू हो गया है औपचारिक रूप से। इस बीच चक्रवाती तूफान मोरा बांग्लादेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है। तूफान के कारण 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के चलते समुद्र तटीय इलाके से 3,00,000 लोगों को हटा दिया गया है। इस तूफान से पूर्वी भारत के तटीय इलाकों के भी प्रभावित होने की पूरी आशंका है। बात करते हैं पाकिस्तान की। झूठ बोलने की आदत से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को लेकर एक और झूठ बोला है। पाक फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा है कि जाधव ने आतंकी हमलों के बारे में भारत को खुफिया जानकारी दी। इस बीच जाधव की जल्द फांसी को लेकर पाक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ का सहारा लिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने देश में हाल में हुए आतंकी हमलों के बारे में भारत को अहम खुफिया जानकारियां मुहैया कराई थी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि जाधव ने हमलों के बारे में भारत को लगातार खुफिया जानकारियां दी थी। कुलभूषण जाधव को पाक मिलिट्री कोर्ट ने कथित जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। भारत जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया था, जहां आईसीजे ने आखिरी फैसला होने तक फांसी रोकने को कहा। जकारिया ने जाधव पर भारत को जानकारी देने का आरोप तो लगाया, लेकिन ये बताने से इनकार कर दिया कि जाधव ने क्या खुफिया जानकारी भारत को मुहैया कराई। कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने के लिए कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को आदेश देना चाहिए कि वो जाधव के मामले में जल्द कार्रवाई करें। पाकिस्तान का कहना है कि उसने जासूसी के आरोपों में जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। पाकिस्तान अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है और भारत इसके लिए अच्छी रणनीति बनाने की कोशिश में है। और भारत की यदि हम बात करें तो दुनिया में न सिर्फ भारत की छवि बदली है बल्कि भारत का नजरिया भी लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, विभिन्न देशों के द्वारा पसंद किया जा रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां भारतीय अब ज्यादा हावी हैं। यही कारण है कि अब दुनिया भर में भारत की कॉपी की जा रही है, फिर चाहे वो कला संस्कृति का क्षेत्र हो या फिर खान पान का। इसी कड़ी में अब दुनिया के तमाम देशों के नेता भारत के चुनावी कैंपेन की भी नकल कर रहे हैं। ताजा उदाहरण ब्रिटेन का है। दोस्तों धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी। नेता किसी भी देश के क्यों ना हो, चुनाव जीतने का कोई तरीका वो जाया नहीं जाने देना चाहते। ब्रिटेन में होने वाले चुनावों के मद्देनजर भारतवंशी मतदाताओं को लुभाने के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने म्यूजिकल वीडियो बनाया है। उसका भी सलाम। इस 2 मिनट के वीडियो में टेरिजा साड़ी पहने नजर आती है। बैकड्रॉप में एक हिंदी गाना भी बज रहा है जिसके बोल हैं, दोस्तों धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी। वीडियो में टेरिजा नंगे पांव साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा के लिए जाती नजर आ रही है। इस म्यूजिकल वीडियो का नाम है टेरिजा के साथ। वीडियो की शुरुआत ब्रिटिश संसद के साथ होती है। इसके बाद 8 जून को होने वाले चुनावों की याद दिलाई जाती है। इस वीडियो में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय नेताओं के साथ बात करती दिख रही है। ये शॉट उस समय के जब टेरिजा भारत के दौरे पर गई थी। ये पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी नेता ने चुनाव कैंपेन के लिए हिंदी वीडियो रिलीज किया हो। इससे पहले 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी भारतीय मूल के लोगों के लिए नीला आसमान गाना रिलीज किया था। ट्रंप सरकार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप का अब की बार ट्रंप सरकार भी खूब हिट हुआ था। अभी की बार ट्रंप सरकार। कंजर्वेटिव पार्टी की वीडियो में टेरिजा की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की फुटेज भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट साल के साथ। तो ये एक उदाहरण है पूरी दुनिया में भारतीयों के बढ़ते हुए ताकत की। तो चलिए अब बात करते हैं, वर्तमान की बात हो गई तो अब इतिहास की बात करें। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास की नजरों में देखते हैं। तीस मई है आज और 30 मई 1498 में कोलंबस तीसरी बार 6 जहाजों के साथ अमेरिका को खोजने निकले थे और 30 मई 1826 में उदंत मातंड के रूप में पहले हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस कर दी थी। 30 मई 1981 में बांग्लादेश के नेता जियाउर रहमान की हत्या चटगांव के गेस्ट हाउस में कर दी गई थी। रहमान समेत कुल 8 लोग इस घटना में मारे गए। और 30 मई 2000 में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का निधन हुआ था। और बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक लेखक और अभिनेता ऋतुपर्ण घोष की आज पुण्यतिथि है। चोखेर बाली, रेनकोट, आबोहमन जैसी फिल्मों के इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतुपर्ण घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में खासी रही है। उन्होंने और उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। ऋतुपर्ण घोष उन निर्देशकों में से एक हैं जो फिल्म को एक कला मानते थे।
व्यवसाय या बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर उन्होंने कभी भी फिल्में नहीं बनाई। उनकी अपनी सोच थी, शैली थी और अपने मिजाज के अनुरूप ही वो फिल्में बनाते थे। बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी खास पहचान बना ली थी। घोष ने विज्ञापन की दुनिया से अपना व्यवसाय शुरू किया और जल्द ही फिल्मों की ओर मुड़ गया। अपने 19 साल के फिल्मी करियर में ऋतुपर्ण घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय भी किया। ऋतुपर्ण घोष के कुछ खूबसूरत शाहकारी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज देश की बात में इतना ही। नमस्कार।